स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले का घेराव कोविड 19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग 52 जिलों से आए स्वास्थ्य कर्मियों ने संविदा नियुक्त को लेकर घेराव किया। आपको बताते चले कि बीते दिनों स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल के लॉकडाउन में जो सेवाएं सरकार के कहने पर मध्य प्रदेश में दी, वह काफी सराहनीय कार्य रहा है। वहीं अब 9 महीने सेवाएं देने के बाद सरकार द्वारा इनको हटा दिया गया। कहा यह गया कि बजट न होने के कारण आप लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं फिर NHM द्वारा उन्हीं पदों पर 6000 भर्तियां निकाल दी गई हैं। अब स्वास्थ्य कर्मी यही मांग कर रहे हैं कि हमें संविदा में, क्योंकि ना तो हम घर के रहे ना घाट के। वहीं आज उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले का घेराव कर विशेष सहायक मंत्री सुशील कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। आइए ये देखते हैं भोपाल से ये खबर हमारे संवाददाता आदिल के साथ। जो स्टाफ नर्स आ जाए साथ में, जो व्यक्ति आप लोग आ जाएगी उनसे मैं मिलवा देता हूँ। आप जो बात मेरे से अभी बोल रहे हैं कोई तो मतलब कोविड लंबे समय तक काम की, अपनी जान जोखिम में डालकर, परिवार की जान जोखिम में डालकर भी संविदा नियुक्ति के लिए नहीं है ये लोग, वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया। ये कह रहे हैं कि हमें जो है NHM में आगे भी हमारी सेवाएं लेते रहें, और यदि डायरेक्ट भर्ती हम लोग की कर लें तो अच्छी बात है, हम लोग क्वालिफाइड लोग हैं। तो हमने कहा भाई हम आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दे रहे हैं NHM में, वहाँ पे भर्ती की अपनी खुद की प्रक्रिया है। अगर आपको इस संबंध में अगर कोई और भी आगे भी गवर्नमेंट कुछ विचार करती हो तो अच्छी बात, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, शासन निर्णय लेगा। थैंक यू। मेरा नाम सुधा राजा परमार है, मैं छतरपुर से आई हूँ, स्टाफ नर्स हूँ कोविड में। क्या मामला है आज आप लोग 3 जगह घेराव कर रहे हैं NHM पे, मुख्यमंत्री निवास पे और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के? जी सर, मेरी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं, क्योंकि सर हम लोगों ने ऐसी महामारी में हम लोगों ने साथ दिया है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे फिर भी हम लोगों ने साथ दिया है। सर कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए हैं सब महामारी में, और सर ऐसे हम लोग को निकाल दिया कि जैसे कुछ है ही नहीं है, और इतने बुरे तरीके से हम लोगों से बात की जा रही है यहाँ पे कि जैसे हम लोग का कोई मतलब ही नहीं रहा। यदि सर हम लोग की मांगे यदि पूरी नहीं, सर हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, सब हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए, है ना सर, हम लोगों ने इतना काम किया है सर, प्राथमिकता दी जाए। यदि प्राथमिकता नहीं भी देना है तो सर हम लोगों को संविदा में सम्मिलन किया जाए, और सर इतने बुरे तरीके से हम लोगों को निकाला है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। वहीं आप लोग से बजट ना होने के कारण आप लोगों को निकाला गया था, अभी उसी पदों पर फिर से नौकरियां निकाली गई हैं। जी सर वही है कि देखो सर पहले बोल रहे थे कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं तुम लोगों की भर्ती नहीं कर सकता। यदि बजट नहीं है सर तो CHO में कैसे जगह निकाल रहे हैं ये लोग, कैसे भर्ती करवा रहे हैं? बजट तो है ये सरकार के पास, क्योंकि मुझे पता चला है कि 2024 तक का बजट आया था, ठीक है 2024 तक ना मार्च तक का तो बजट आया था सर, हम लोगों को अभी जनवरी से निकाल दिया फरवरी से सर। वहीं अगर हम बात करें तो कैसा महसूस होता है, आप लोगों को इस्तेमाल किया गया कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम पे? जी जी। और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ फिर बावर्ता से पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया था? जी जी बिल्कुल सर। दोबारा आप धरने पाए, फिर आप लोगों का वहाँ से निकाल दिया गया, कैसा लगता है सरकार का ये बर्ताव आप लोगों को? अब सर कैसा लगने के लिए तो सर हम लोगों से पूछिए, जो हम लोग इतना महामारी में साथ दिया फिर भी सर हम लोगों को लाठी चार्ज किया गया, भैया लोगों को मारा गया, और साथ में सर एक तो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको उसके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग का सर मांगे पूरी की जाए, या तो सर हम लोग को प्राथमिकता दी जाए, नहीं तो संविदा में सम्मेलन किया जाए, यदि नहीं किया जाएगा तो सर हम लोग यहीं पे आत्मदाह करेंगे। सर मेरा नाम है दीलू सिंह भिलाला है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ श्योपुर से, और सर हम लोगों की माननीय महोदय से हमारी यही मांगे हैं कि सर जो कोविड में कार्य किए हैं उनको जो अभी प्रजेंट में NRHM के द्वारा वैकेंसी आई है उसमें हम लोगों को सम्मिलन किया जाए, उसमें स्टाफ नर्स की, ANM लैब टेक्नीशियन और भी जो पोस्ट हैं सभी, और जो जिनकी नहीं है उनकी निकाल कर हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो गए, ना घाट के रहे ना घर के रहे, हम लोगों को बाहर कर दिए गए हैं, तो सर हमें मतलब रोजगार चाहिए। वहीं आपको तो मारा जाता है इतनी सर्विस प्रदान करने के बाद, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी क्या सर, हमें तो सर अब आप हम लोगों की हालत आप जानते ही हो सर, अब क्या आपको नहीं लगता सरकार ने आप लोग को इस्तेमाल किया उसका एक टिश्यू पेपर सर महसूस हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, लेकिन सर हमें शासन शोषण हो रहा है, बट
नहीं, लेकिन सर हमें विश्वास है कि सरकार हमारी जरूर सुने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।